भारत के सबसे गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं, उनको रावण और कंस से कंपेयर करना राजद्रोह और देशद्रोह के बराबर है। जिसके मुख से जय श्री राम नहीं निकला, जिनकी पार्टी में लोग भगवान का नाम तक नहीं बोलने में शर्माते हैं, उनको राम बताया जा रहा है। सूर्य के ऊपर थूका जाए तो वह थूक अपने ही ऊपर पड़ता है। वैसे देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो करते हैं वो स्वयं अपमानित होते हैं। राम को नीतीश से कंपेयर करना, मैं तो कहता हूँ संपूर्ण सनातनी समाज के लिए ये अत्यंत चिंता व निंदा का विषय है कि ऐसे नेता जो आज अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का साहस साहस नहीं रख पा रहे हैं, वही नेता अपने आप को स्वघोषित राम बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं, शिव बन रहे हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है। 2024 को देखते हुए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आज मोदी को जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के सबसे गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं, उनको रावण और कंस से कंपेयर करना राजद्रोह और देशद्रोह के बराबर है। और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से जो राजद के नेता हैं जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है कि पोस्टर के माध्यम से कंस और रावण बताने की चेष्टा की है भारत के प्रधानमंत्री को, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अपमान पर मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ, और जल्द से जल्द ये पोस्टर जो है वहाँ से हटाए जाने चाहिए, नहीं तो साधु समाज जो है फिर जो है हम लोग विरोध करने के लिए उतरेंगे। और जिस तरह से नीतीश को राम दिखाया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिसके मुख से आज तक हमने नाम नहीं सुना, जिसके मुख से जय श्री राम नहीं निकला, जिनकी पार्टी में लोग भगवान का नाम तक नहीं बोलने में शर्माते हैं, उनको राम बताया जा रहा है। जिनकी पार्टी के अभी एक शिक्षा मंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया और अभी तक उसको बर्खास्त तक नहीं किया गया, उसको राम बताया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ और ये पोस्टर जल्दी से जल्दी हटाए जाने चाहिए, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर हम साधु संत लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे तो फिर न तो नीतीश को कहीं मुंह छिपाने की जगह मिलेगी और इस तरह की हरकत करने वाले और जो उनके कार्यकर्ता है न उनको भागने की जगह मिलेगी। इतना समझ नहीं, इतना सोच नहीं है कि जिस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अपमान होगा वह देश का होता है, वो कोई व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं होता, उसका अपमान देश का अपमान है। फिर भी ऐसा न सोच करके और उटपटांग भाषाएं बोली जाती हैं और कहीं रावण कहीं कंस कहीं ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी के कही जाती हैं, कहीं उनको गालियां दी जाती हैं, और इस प्रकार की जो चर्चाएं, जिस प्रकार की व्यवहार यह कुछ पार्टियों ने कर रहे हैं वह उनके लिए हानिकारक है, उनके लिए दुखदाई है। वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता। जैसे सूर्य के ऊपर थूका जाए तो वह थूक अपने ही ऊपर पड़ता है, वैसे देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो करते हैं वो स्वयं अपमानित होते हैं।